हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हैं हम सिंकुलर टॉप पे। तो आए थे सिंकुलर टॉप देखने के लिए। वैसे तो उम्मीद नहीं थी कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे उल्टो के टेन से, बट फिर भी देखा तो रोड मतलब काफ़ी हद तक रोड बने हुए थे, बस 20% थोड़े अभी रोड नहीं है। तो सिंकुलर टॉप तक पहुँच गए आराम से, लेकिन उसके बाद ना रोड्स नहीं है तो हिम्मत नहीं हो रही है कि आगे जाया जाए कि नहीं जाया जाए। अभी बचा है आधा दिन हमारे पास, तो यहाँ से चलते हैं बारालाचा की तरफ। ये पहुंच गए हैं जी दीपक ताल। ये बारालाचा जब जाते हैं बारालाचा तो रास्ते में पड़ती है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी है ये। ये दो ताल हैं इस रास्ते में, एक तो दीपक ताल है ये। अब इसे दीपक ताल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा देखने में दीपक के जैसा है। और फिर ऊपर जब बारालाचा पहुँचेंगे तो वहाँ पर एक सूरज ताल है। चलो हेयर इज जब लास्ट टाइम लद्दाख जा रहे थे ना, उस टाइम पे भी यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा था और अभी भी ये काम चल रहा है। बाकी बारालाचा तक तो भाई साहब रोड एकदम बहुत अच्छे बना दिए उन्होंने। अभी मेरे को लगता नहीं है कि किसी को जाने में कोई प्रॉब्लम आएगी। छोटी गाड़ियाँ आराम से जा रही हैं, देखो सारी स्विफ्ट वगैरह और सेडान क्लास भी सारी गाड़ियाँ आराम से जा रही हैं क्योंकि रोड बहुत अच्छे बन गए हैं यार। सबका ना देखो देखने का सोचने का नज़रिया अलग होता है, बट मेरे को पता ही क्या लगता है, जैसे ही अटल टनल क्रॉस करते हैं ना भाई, तो ऐसे लगता है ना हम अलग ही दुनिया में आ गए भाई। जैसे वो मूवियाँ नहीं आती, वो नारनिया ये सारी मूवियाँ होती हैं भाई, ऐसे लगता है कि ना अलग ही दुनिया में आ गए। मतलब सारा मौसम अलग है, वेदर बिल्कुल चेंज, हवा चेंज है ना। और भाई सीनरी तो देख रहे हो, पहाड़ कहीं पर थोड़ी बहुत घास है, कहीं पर बिल्कुल एकदम सा भाई। ये छोटा सा पैच है, ये पैच देख के तो लग रहा है कि आप लद्दाख रीजन में हो, वरना मतलब जब से अटल टनल क्रॉस करी है रास्ता बिल्कुल एकदम सेट बना हुआ है, कहीं कोई इशू नहीं है। और यहाँ आके थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई वाकई आप लद्दाख जा रहे हो, मतलब यकीन आ रहा है कि आप लद्दाख जा रहे हो। आप ऐसे ही नहीं जा रहे हो सपने में, एकदम स्मूथली नहीं जा रहे हो, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा होना भी ज़रूरी है यहाँ पर, मतलब गाड़ी चलाने में फिर मज़ा भी आता है थोड़ा सा ना। यार देखो ऐसा नहीं है कि हर बंदा लद्दाख घूम सकता है ना, लेकिन जो भी घूमा है जो भी आया है तो भाई ये एक अलग ही वाकई में एक अलग ही दुनिया है। मतलब यहाँ की वाइब्स बिल्कुल ही अलग है। तो मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी सबका सपना होता है यार, देखो पहले तो इतना लोगों को पता भी नहीं था, आजकल तो मोस्ट ऑफ जो है इंस्टाग्राम और पता नहीं यूट्यूब जो शॉर्ट्स होते हैं उस पर सबको मतलब लद्दाख के बारे में पता है, सबका सपना होता है लद्दाख आना। और आजकल तो एक टाइम था एक दो गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, आजकल तो भाई लाइन लगी रहती है, ट्रैफिक जैम रहता है और रोड्स भी बहुत ईजी हो गए हैं जाने के लिए ना, कोई भी गाड़ी जा रही है, बसेस भी आ रहे हैं। तो भाई आओ, मतलब जो अफोर्ड कर सकता है, जो जैसे आ सकता है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना वो तो है यार। देखो जल्दी से हम बाहर नहीं जा सकते, वीज़ास का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जगह एक ऐसी है जो बहुत सारी जो एक होती है ना फैंटेसीज होती हैं लोगों की कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो भाई एटलीस्ट लद्दाख एक ऐसी जगह है आज की डेट में कि आप बहुत ज़्यादा आपको खर्चे की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अभी चाहता हूँ कि मेरे को माउंट एवरेस्ट जो बेस कैंप है, मैं बेस कैंप जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए कम से कम 1-1.5 लाख रुपये का खर्चा लगेगा एक बंदे का, मैं बता रहा हूँ आपको है ना। लेकिन लद्दाख एटलीस्ट वहाँ उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि 1.5 लाख रुपये होंगे तब मैं सोचूंगा जाने के लिए अभी। लेकिन अगर हम लद्दाख की बात करें तो एटलीस्ट यहाँ आने के लिए इतना मोटा खर्चे की तो ज़रूरत है नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट ये तो कर ही लें, जो कर सकता है एटलीस्ट वो आके ये तो कर ही सकता है।
तो भाई आओ, कम से कम एक बार लद्दाख आओ, कम से कम 15 दिन की 10 दिन की छुट्टियां लेके आओ। पूरा मनाली से लद्दाख जाओ, पेंगोंग जाओ, सो मुरीरी देखो, हानले देखो, उसके बाद में भाई आपका खारदुंगला वहाँ घूमो, और सीधे फिर भाई आप जम्मू कश्मीर होते हुए वापस आओ। मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता ही है भाई। अभी हम लोग पता ही क्या करने वाले हैं, जैसे ही मई जून मई में, मतलब मई के स्टार्टिंग में ना पासिस खुल जाते हैं। अब तो खैर पहले वो रोहतांग वाला सिचुएशन होता था, बट ये है कि हाँ मई के बाद में जो है बारालाचा है, उसके आगे के जो ऊंचे पासेस होते हैं वो ना ओपन हो जाते हैं, वहाँ पे BRO जो है उनको साफ़ कर देते हैं। तो हमारा भी प्लान क्या चल रहा है कि भाई अपने घर से नोएडा से मनाली तक जाएंगे हम बस में, आराम से सोते हुए। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि कैसा बढ़िया उससे लगेगा, कि कैसे होगा। उसके बाद में मनाली तक जाएंगे, वहाँ से जो है बाइक रेंट करेंगे, और मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा करते भी हैं। मतलब हमने ऐसा कभी किया नहीं है कि हम बस से गए हों और बाकी जाके हमने बाइक रेंट करी हो, ये हमारा फर्स्ट टाइम है हम जो सोच रहे हैं। और बाइक रेंट करके फिर हम लोग जो है पहले गोम्बो रुंजाक की तरफ से निकलेंगे और ले जाएंगे, और ले से फिर वापस जो बारालाचा होते हुए तांगलांगला उस तरफ से वापस आएंगे। तो देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा हमारा। और मैं तो बाकी लोगों को भी कहता हूँ भाई, बस में आओ, टैक्सी से घूमो, अगर मन करता है कि नहीं यार एक दो दिन है थोड़ा बाइक से भी घूमने का। भाई यहाँ रोड पे ना, मतलब गारंटी दे रहा हूँ, इन रोड्स पे ना बाइक से घूमने का भाई अपना ही अलग मज़ा है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा सर्किट कर लो बाइक से, पूरा ही घूम लो। जो देखो बाइकर्स हैं भाई, वो उनको पता है क्या जन्नत आती है बाइक पे जब आप लोग घूमते हो। जो लोग नहीं घूम सकते ना ज़्यादा लंबा, वो क्या कर सकते हैं, मनाली देखो, केलुंग से, केलुंग तक बस आती है, ठीक है। केलुंग तक आ गए, वहाँ पे अपना स्टे कर लिया। केलुंग में बहुत सारी जो हैं शॉप्स हैं जो बाइक रेंट करती हैं, और वहाँ पे आपको कोई भी बाइक आराम से मिल जाएगी, 1,000 रुपये से लेकर के 1,500-2,000 तक मस्त बाइक मिलती हैं। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए लो, ज़्यादा दूर मत जाओ। मतलब केलुंग से जिस्पा आ जाओ, सॉरी केलुंग से जो है जिस्पा होते हुए यहाँ पे बारालाचा आ जाओ, या फिर सिंकुला टॉप चले जाओ। भाई सिंकुला टॉप के लिए ना मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ही एकदम रोड सेट बना दिया उन्होंने। और मैं जब गया था, हम जून में गए थे, जून के बिल्कुल लास्ट में गए थे, उस टाइम तक रोड बहुत अच्छे हो गए थे, और अभी तो मेरे ख्याल से और भी अच्छे, मतलब स्मूथ रोड हो गए होंगे। जो छोटा मोटा पैच बचा था वो भी क्लियर हो गया होगा। भाई बहुत ईजी है, मतलब मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे का रास्ता लगता है केलुंग से, और वहाँ तक का 3 घंटे का लग जाएगा। तो भाई बहुत अच्छी जगह है, आप घूम सकते हो, आओ मज़े करो, इन्जॉय करो। बाकी हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे। कहीं कहीं किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है, कोई बात है तो आप पूछ सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हम लोगों को, मेरे ख्याल से 10 साल के आसपास हमें हो गए हैं घूमते हुए। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। और चलिए अभी हम पहुँचने वाले हैं बिल्कुल सूरजताल। ये लो जी पहुँच गए सूरजताल, आपके सामने सूरजताल देखिए भाई। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, देखो फर्स्ट टाइम की बात कोई नहीं भूलता, फर्स्ट टाइम आए थे हमें पता ही नहीं था, ये बोर्ड देख के हमें पता चला था यहाँ पे कोई ताल है, क्योंकि उस टाइम हम मई के सेकंड वीक में थे हम, और बिल्कुल ताल जमी हुई थी, सब कुछ एकदम जमा हुआ था। हमें बस देखने से फील, पढ़ने के बाद पता चला था कि यहाँ पे कोई झील है, वैसे पता नहीं चल रहा था। खैर थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये था सूरज ताल। फिर मिलते हैं जल्दी किसी वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।